हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए एडिटोरियल डिक्टेशन डेली मॉर्निंग में लेके आते हैं। आज तारीख है 6 मई, तो आज का जो डिक्टेशन रहेगा वो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे ब्लॉग से जुड़ सकते हैं, ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है, या आप गूगल में स्टेनो हेल्प पीपी ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डिक्टेशन को हम स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड के बाद। रेडी स्टार्ट। इन दिनों एक वाक्य खूब दोहराया जा रहा है कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी असामान्य होते हैं। इसीलिए दुनिया भर के साइंदा कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, वह अभूतपूर्व है। यह एक अच्छी खबर भी है कि तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। ये परीक्षण 3 स्तरीय होते हैं, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नाबारो ने कहा है, वह दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों के लिए चिंता के साथ साथ गहन विचार का विषय होना चाहिए। डॉक्टर डेविड के मुताबिक, हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो ही जाएगी, और यदि हो भी गई तो गुणवत्ता व सुरक्षा की कसौटी पर वह 100% खरी उतरेगी। यानी प्रकारांतर से वह यही कह रहे हैं कि दुनिया इस वायरस से बचने के उपायों को ही इसका ठोर उपचार समझे। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सीमाओं को छिपाता नहीं है। प्रयोग जन्य स्तर पर आधारित होने के नाते उसे यह स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं कि दशकों के अध्ययन रिसर्च के बाद भी वह कुछ वायरसों, बीमारियों को तोड़ नहीं ढूंढ सका है। HIV का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 4 दशकों से इस वायरस को पछाड़ने की कवायदें जारी हैं, मगर आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। इस बीच 3 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। HIV के संक्रमण या डेंगू के मच्छरों से बचाव अपेक्षाकृत आसान है, पर क्या इन्होंने इंसानी जीवन शैली को प्रभावित नहीं किया? निसंदेह किया है। सच यही है कि जागरूक लोग अब इसकी जद में कम आते हैं। कोविड-19 से निपटने में भी जागरूकता ही फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। न्यूजीलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने दिखाया है कि इस दवा में यह मुश्किल जंग जीती जा सकती है। न्यूजीलैंड में 1,486 संक्रमित लोगों में से 1,300 से अधिक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले वियतनाम में एक भी नागरिक की जान इससे नहीं गई। इस तथ्य के बावजूद कि चीन से उसकी सीमाएं लगती हैं, वहां 271 संक्रमित लोगों में 232 ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के रोज रोज बढ़ते आंकड़ों से सहमी हुई दुनिया को यह कबूल करना होगा कि उसे इस वायरस के साथ ही अभी जीना है, और इसके लिए उसे कचरा फैलाने वाली अपनी पुरानी जीवन शैली का मोह त्यागना होगा। सरकारें कितने कानून बनाएंगी?
कोई भी प्रशासन एक छोटी अवधि तक ही शक्ति बरत सकता है। अंततः इंसानी समाज को ही किसी कायदे कानून की लाज रखनी होगी। जब प्रश्न जिंदगी और मौत का हो तो तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरतते हुए संक्रमित की शिनाख्त जब समाज के स्तर पर होगी बगैर किसी नफरत और भेदभाव के, तभी इस महामारी पर जीत भी मिलेगी। COVID-19 ने हमारे जीने के अंदाज पर हमेशा के लिए कुछ चीज़ें थोप दी हैं और हमारे पास उन्हें अपनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनने और बनाने से परहेज के साथ यह दौर हमारे कई आडंबरों से भी दूर रहने की सीख दे रहा है। यह विचित्र है कि लॉकडाउन में एक और विस्तार के साथ ही तमाम छूट देकर जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तब यह भी देखने में आ रहा है कि विभिन्न राज्य सरकारें आवाजाही के मामले में आपसी सहयोग का परिचय देने से इनकार कर रही हैं। आखिर ऐसे में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है यदि राज्य सरकारें एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर सख्त रवैया अपनाएंगी? तो फिर 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट तो धरी की धरी ही रह जाएगी। देश की राजधानी से सटे NCR के इलाके में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। इसी तरह दिल्ली में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि आवाजाही में सीमित छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण के फैलाव रोकने के नाम पर लगातार सख्त रवैया अपनाती जा रही हैं। यह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ तो है ही, कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अड़ंगा भी है। निसंदेह बात केवल दिल्ली NCR में आवाजाही को लेकर दिखाई जाने वाली अड़ंगेबाजी की ही नहीं है। दिल्ली NCR की तरह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में भी लोगों की आवाजाही में अड़ंगेबाजी से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति देश के अन्य अनेक हिस्सों में है। इस सबसे तो देश को ही नुकसान हो रहा है। इससे दयनीय और कुछ नहीं कि जब राज्यों को आपसी सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए तब वे पाले खींचने में लगे हुए हैं। कहीं कहीं तो सचमुच सड़कों पर खाई खोद दी गई है ताकि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में प्रवेश ना करने पाएं। इसी तरह कहीं कहीं एक राज्य की ओर से जारी किए गए पास दूसरे राज्यों ने अमान्य कर दिए। क्या क्षेत्रीयता के ऐसे संकीर्ण प्रदर्शन से कोरोना के संक्रमण पर लगाम लग जाएगी? निसंदेह कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काम धंधे के लिए निकले लोगों अथवा माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर जरूरत से ज़्यादा सख्ती का परिचय दिया जाए। माना कि कोरोना के साये में रहना होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य खुद को टापू में तब्दील कर दे। बेहतर हो कि केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय आवाजाही के आवश्यक अड़ंगेबाजियों को संज्ञान ले
और दूसरी और राज्य सरकारें यह समझें कि संघीय ढांचा आपसी सहयोग पर टिका है। उन्होंने अपने हित के साथ ही देश की हित की भी चिंता करनी होगी। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लगभग 973 वर्ड्स हैं, दो न्यूज़पेपरों का एडिटोरियल है, तो ये मात्र एडिटोरियल है। आपको ये कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इसकी PDF के लिए हमारे ब्लॉग से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए, जैसे हमने GS के लिए प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आपको शाम 6 बजे तक आपको बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। बायोलॉजी स्टार्ट कर दी, अगर नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। इंग्लिश की भी आपको क्लासेस बता दी गई हैं, इंग्लिश भी एक्टिव पैसिव स्टार्ट करा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका है, तो आपको सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तब चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब के बटन के बगल में ही बेल आइकन का बटन होगा, तो बेल आइकन के बटन को आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।